बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उखल बंधन लीला बोलिए, एकदा गृहदासीशु यशोदा नंद के ही कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा मैंने एक बार गृहदास शिशु गृह के कार्यों में यशोदा यशोदा मैया नंद गृहिणी माने नंद की घरवाली, नंद गृहिणी माने नंद की घरवाली, कर्मांतर नियुक्तासु घर के कार्यों में नियुक्त माने लगी पड़ी थी। कौन सा कर्म कर रही थी भैया यशोदा मैया? बोले निर्म मंत्र स्वयं दधी, स्वयं दही मथ रही थी। दही मथ के क्या निकलता है बताओ? माखन। तो वो माखन किसके लिए निकाल रही थी? गोपाल जी के लिए। अच्छा कर्म करो तो गोपाल के लिए करो। यशोदा मैया काम कर रही किसके लिए? आप लोग भी जो भी आज से कार्य करो भगवान के लिए करोगे। आज से आप लोग खाना बनाना छोड़ दो अपने लोगों के लिए। खाना बनाओ तो किसके लिए बनाओगे? भगवान के। अपने आंगन को बुहारो तो भगवान के लिए बुहारो। मेरे भगवान आएंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर आएंगे। तो शबरी बन जाओ, यशोदा बन जाओ, कौशल्या बन जाओ। जो भी वर्क करो कार्य करो गोपाल जी के लिए करो। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी चे दधि निर्म मंथने काल स्मरन्ति तान्य गायत। देखो कर्मणा कर्म से श्री कृष्ण के लिए कर्म। मन सा मन कहा है? बाली चरितानि और वाचा वाणी से गीत गा रही है मेरे गोविंद श्री कृष्ण के गीत गा रही है मैया। जब मैं लाऊं मुकु टुकुर टुकुर देखे भोग में लगाऊं वाको मोती फेंके। शाम जो ढले तो मुकु मुरली सुना या कि बंसी पे जाऊं बलिहार। ऐसे मधुर मधुर गीत गाने चाहिए भगवान के जो यशोदा गा रही। तो जो मनसा वाचा भगवान के गीत गा रही, जो मनसा वाचा करना भगवान के गीत गा रही है तो भगवान वहां क्यों नहीं आएंगे? भगवान आकर के पालने से उठ करके भगवान मैया के पास आए, मैया के नेत्र बन करके बोले मैया कौन है? इन्हें कहा मेरा लाला है, मेरा जीवन धन है। बोलिए यशोदा नंदन भगवान की। तब अंक मारूण आये स्तन स्नेह स्नुतम सस्मित विक्षति मुखम। मैया ने अपने स्तन का भान के दूध पिलाने लगी कन्हैया को, लेकिन सामने ही चूल्हे पर अग्नि पर 9 लाख गैयाओं में से एक गैया पद्म गंगा गैया का दूध, विशेष गुणों वाली गैया का दूध औट रहा था, उबल रहा था। मानो हमारे जो संत महात्मा बड़े सुंदर भाव बताते हैं, दूध और दूध में होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया। गो माता का दूध सोचने लगा मैं कितना अभागा हूं जो भगवान के मुख में भगवान की सेवा में नहीं जा पाया। तो जो शरीर जो तत्व जो पदार्थ भगवान तक ना पहुंचे उसे नष्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे आत्महत्या को करते ना, ऐसे ही दूध उबल रहा है और अग्नि में स्वाह होना चाहता है। ये कितना सुंदर भाव। तो मैया दौड़ करके लाला कन्हैया ने चला अगले दूध बांधे पिलाऊंगी। वो दूध उतारने लगी कन्हैया, इतनी बात पे रूस गए। बोले मैया बड़े बड़े संतों महात्माओं की पूजा में ध्यान में भी नहीं आता हूँ और तेरी गोद में आ रहा हूं तो तू मुझे गोद में उतार के पूर जा रही। कन्हैया रूठ गई और कन्हैया ने जिस माट मटकी में मैया दही बिलो रही थी एक पत्थर उठाया धम्म से मारा और पूरे आंगन में दही चार
और मक्खन तैर रहा है, वाह वाह, क्षीर सागर बन गया, पूरा आंगन श्वेत बन गया। बड़ी माट मटकी थी, चुप गए जाकर के भंडार गृह में, और इतने रूठे महाराज, बंदरों को बुला लिया। और बंदर भी कौन से जन्म के, अगले जन्म के, जो जिसमें श्री राम बने। श्री राम बन के बंदरों ने सेवा की थी, भगवान की कोई थोड़ी भी सेवा कर दे भैया, भगवान कर्जदार हो जाते, ऋणी हो जाते। तो भगवान ने राम जी ने कहा था, वानरों इस अवतार में तो मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन अगले अवतार में मैं भी तुम्हारी कुछ माखन मिश्री से सेवा करूंगा। तो भगवान ने सारा भंडार उन वानरों को खिला दिया गुस्से गुस्से क्रोध में। अब मैया जब वो दूध उतार करके आई, अरे सारे बच्चे को फोड़ दिया। अब वो पतो परी, वो गोपी जो कह रही थी, साची कह रही थी, मैंने तो अपने लाला को पक्ष लियो, मेरा लाला ऐसा नहीं बड़ो सीधा साधो है, पर आज वो पतो परी हो, मेरा लाला जलेबी की तरह सीधा। बोलो राधे राधे। छड़ी उठाई, कहां कन्हैया ढूंढने लगी। अब कन्हैया उस भंडार में अंधेरा जहां था, माट मट्टी के पीछे छुप के बैठ गए। लेकिन कन्हैया को ढूंढना बहुत आसान है। मैया ने जो हार पहना रखे वो भी हीरो के हार है, जो मुद्रिका पहना रखी उसमें भी बड़े बड़े रत्न है, हीरे, वो रत्न चमक रहे, चमचम चमक रहे। अब कन्हैया कांप रहे हैं मैया की छड़ी को देख करके। मैया ने कहा, कन्हैया सीधे से आ जा, बोले मैया कहा करेंगे। मैया ने सोचा प्यार से समझा दू तभी आई, बोले लाला तेरी पूजा करूंगी। मैया पूजा करेगी तो हाथ में छड़ी काहे को लेनी है। अरे लाला तो पतो नहीं है, जब कोई बूढ़ा है जावे वहां को छड़ी का सहारो लेनो ही पड़े। अच्छा मैया छड़ी फेंक दे, ले ले छड़ी गिरा दी। तो कन्हैया दबे पांव आ रहे हैं, एक एक कदम रखते जा रहे हैं और मैया को कहते जा रहे हैं, मैया देख हाँ पूजा करियो, मारियो मती। कन्हैया को अपनी गलती का भी पता है। तो कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं, मैया ने झट कन्हैया को हाथ पकड़ियो और कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी। चोर तो सजा का पात्र है ही, चोर का साथ जो देता है उसे भी सजा मिलती है। तो इस ऊखल पे ही चढ़ के मटकी फोड़ी, नीचे की मटकी फोड़ी, ऊपर की मटकी फोड़ी। बोलो मटकी फोड़ कन्हैया की। महाराज भगवान को ऊखल से बांधने लगी, दो अंकुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, जैसे रस्सी बांधे ऐसे, तो ये छोटी पड़ जाती थी। मैया ने बहुत कोशिश की, आखिरकार मैया हार गई। एक बात बताए, भगवान का दरबार ना जीतने वालों का नहीं है, हारों का। भगवान हारे के सहारा है। बोलो हारे के सहारा श्याम चंद्र भगवान की। जब मैया को देखा पसीने पसीने हो गई, हार गई है। बोले अरे मैया तो पे तो बांधो भी ना आवे, तो पे आवे। बोले हाँ। तो कहीं अपने आप ही अपने बंधन में बंध जाते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, गोपियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज कन्हैया ऊखल से बंधे, मैया नाराज है। बोली आज नहीं छोड़ूंगी लाला तो, अब यहाँ बंधो पड़ो रे। और भीतर चली गई मैया। लेकिन इस लीला में भी कुछ रहस्य छुपा हुआ था। मैया के आंगन में दो पेड़ है, वे पेड़ पिछले जन्म के कुबेर भंडारी के बेटे हैं। उन्होंने गंगा मैया में शराब पी करके स्नान किया था। नारद जी उधर से आ रहे थे, नारद जी ने शाप दिया, जाओ पेड़ बन जाओ। तब उन वृक्षों ने प्रार्थना की, हमारा उद्धार कैसे होगा ना। बोले जब श्री कृष्ण आएंगे द्वापर में, तब वो अपने आंगन में तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने वही माखन उखल बंधन की लीला से उन दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया है। दोनों वृक्ष तत्र गिर गए, उनमें से देवता प्रकट हो गए, दोनों भगवान की वंदना करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति की, आप लोग भी इस स्तुति का आनंद लीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तम पादयोना स्मृत्याम शिरस्तम निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनुना प्रभु। हे नाथ, हमको पेड़ की योनि से आपने उद्धार किया। हम बड़े पापी, हमने पिछले जन्म में गंगा मैया जैसी पवित्र नदी में शराब पी करके स्नान किया। प्रभु आपकी कृपा हुई जो देवश्री नारद जी का शाप हमारे में मिला। भले ही हम शाप में कितने जन्मों से यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारा वो बंधन आपने खोला, हमारा पेड़ बनना सार्थक हो गया। हम तब से आप ही को पुकार रहे थे, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, चले आओ नंदलाल चले आओ। प्रभु आप आए और आपने आकर के हमारा उद्धार किया, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। इस प्रकार से उखल बंधन की लीला और नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। गोविंदावन बिहारी लाल की जय।